इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग को कैसे करते हैं ये देखेंगे। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में ट्रांसफार्मर बांधने के लिए डेटा बना लिया था, जिसमें टोटल टर्न 400 वोल्ट है, इनपुट वोल्टेज 250 वोल्ट था, ठीक है। उस हिसाब से हम लोगों ने डाटा बनाया था, जिसमें कि 90 वोल्ट, 130 वोल्ट, 150 वोल्ट, 180 वोल्ट, 210 वोल्ट और 250 वोल्ट, इन वोल्टेज टैपिंग के लिए हम लोगों ने डाटा तैयार कर लिया था और हम लोग इसी के बेसिस पे वाइंडिंग करेंगे। पहले हम लोग का है, सबसे शुरुआत में जीरो से स्टार्ट करना है। 90 वोल्ट के लिए कितना टर्न लेना है, उसके लिए टर्न की संख्या है 144 टर्न। तो ये कैसे करेंगे हम लोग देखेंगे। जैसा कि ये हमारा बोबिन हो गया 7 नंबर 1.5 इंची। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस तरह का लेदराइट पेपर ले लेते हैं। ये इसमें हम लोग 5 नंबर का लेदराइट पेपर लगाए हैं। लेदराइट पेपर में जितना नंबर अधिक रहेगा उतनी मोटाई होगी अधिक, और जितना कम नंबर रहेगा उतना कम मोटाई रहेगी। 5 नंबर है तो इसको लगा रहे हैं। अब इसको करना क्या है कि हम लोगों ने इसके चौड़ाई के हिसाब से 6.5 सेंटीमीटर करीब थे, फिर से देख लेते हैं। यहाँ देखते हैं और इस किनारे से नापते हैं तो देखते हैं, एक मिनट, इसका इस किनारे से 6.5 से थोड़ा अधिक है, ठीक है, 6.5 सेंटीमीटर के आसपास है। तो उस हिसाब से हमने इस पेपर को कट कर लिया है। कट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको इसके चारों बगल लपटेंगे, ठीक है। लपेटने के बाद यहाँ से हम लोग उसको सीजर के माध्यम से कैंची के द्वारा कट कर लेंगे, ठीक। अब इसको हम लोग टाइटली रैप करेंगे।
है, 144 हो गया। तो 144 के हिसाब से हमको 90 वोल्ट का टैपिंग निकालना है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, यहाँ से टैपिंग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तार जो लंबा लपेटना है कंटिन्यू, उसको मोड़ लेंगे और लंबा मोड़ेंगे, इतना लंबा मोड़ेंगे कम से कम इसके इस सरफेस से एक बीतन लंबा होना चाहिए, एक डेढ़ बीतन लंबा, मतलब कहें कि तो लगभग आधा फीट के आसपास। दिखाते हैं कैसे होगा, इसको कैसे करेंगे, ठीक। और इसको इस तरह कर देंगे, करने के बाद उसके बाद हम क्या करेंगे इसको, अब चूंकि दो तार इसमें लगा है तो मोटा स्लीव लगेगा, दो नंबर का स्लीव लगेगा, इस तरह का स्लीव को जो हम लोग कट कर लेंगे। कैसे लेंगे, अब इसको ऐसे देखेंगे ऐसे करके, अब चूंकि स्लीव से थोड़ा सा तार निकला हुआ होना चाहिए, तो इसलिए इसे यहाँ से ऐसे नापेंगे ऐसे करके, और यहाँ से ठीक है, तो यहाँ पे इतना कट कर लेते हैं। एक उंगली कम लंबाई होना चाहिए स्लीव का तार से, जो निकाल लेंगे तार उससे। अब देखते हैं कैसे इसको करना है, ऐसे लेके इसमें डालेंगे, ये इसको पूरा चाप देना होगा मुंह को, नहीं तो ये स्लीव अंदर जाने नहीं देगा। तो नचा नचा के स्लीव को डालना होगा, देख सकते हैं निकल गया। तो 144 में हम लोगों ने टेबल निकली। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके पोर्टल वाले क्षेत्र से निकाल देंगे, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जो है कंटिन्यू लपटेंगे कि कहाँ तक पहुँचना है, 130 वोल्ट के लिए 208 वोल्ट, 208 लपेट चाहिए। तो 144 हुआ, 47 48 49 50 51 52 53, ठीक। था 130 वोल्ट, 208 में 130 वोल्ट, ठीक है। तो फिर टेपिंग निकालेंगे उसी साइड में जिस साइड में पहले निकला हुआ है,
है, स्लीव है, ये तीन नंबर स्लीव है, दो नंबर खत्म हो गया इसलिए लगा रहा हूँ, ये दो नंबर से मोटा है, इससे मोटा है, देखिए ये तीन नंबर स्लीव है, मोटा है, आसानी से तार निकल जाएगा। ऐसे है इस पे, फिर से ये आगे वाला खाना से निकालेंगे, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, और लेदर राइट पेपर लगा देंगे। टेप लगा देंगे उसके, तो हम लोग का 90 निकल गया है टेप, 130 निकल गया है, 150 का निकालना है वोल्टेज के लिए, 204 लपेट लगाना, सॉरी 240 लपेट लगाना है, ठीक है, अब कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। तो हम लोग का हो गया था 208 लपेट हो गया है, अब हम लोग को जाना है 240 तक। नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, तीन लपेट और करना है। एक सौ सैतीस हुआ, 138, 139, 140, 40, तीन नंबर से लगा रहे हैं, 240 का लपेट हम लोग का कंप्लीट होने जा रहा है, कंप्लीट हो गया, सॉरी कंप्लीट हो चुका है, और हम लोग इसको सबसे लास्ट वाले किनारे से निकाल देंगे। ठीक है,
कितना निकला था 240, मतलब कहने का अर्थ है 150 तक वोल्टेज का टैपिंग निकल गया है। अब 180 वोल्ट के लिए निकालना है तो 288, मतलब 48 को लपेट और चाहिए। दो सौ सत्तासी, 288 हो गया, 288 लपेट हो गया 180 के लिए। टैपिंग निकाल लेंगे। तक निकाला, 338 हो गया, तो लपेट कम कर देते हैं, 37, 36, ठीक है, 336 हो गया। अब 336 के हिसाब से टैपिंग निकाल लेते हैं। इसका लपेट देने से टाइट रहेगा शुरुआत में, इस विधि को अपना सकते हैं, इससे क्या हुआ स्लीव आराम से जाएगा पार। यहाँ से इस वाले स्लीव लौटते क्रम में इस वाले छेद से निकालेंगे हम लोग 180 210 वोल्ट के लपेट को, 210 वोल्ट के वोल्टेज के लपेट को। कितना टन था? 336 टन था। ठीक, हो गया। तो हम लोग पास 210 वोल्ट के लिए हो गया। अब एक बच गया है लास्ट, 250 वोल्ट के लिए 400 लपेट, 336 हो गया है। अब हम लोग को 66 को टन और लपेट करना है, जिस उसके बाद हम लोग का इस साइड का वाइंडिंग का लपेट का काम खत्म हो जाएगा। इसके लिए हम लोग इस तरह से राइट वायर, जैसे कि इसमें जो हम लोग का पेपर लेदराइट खत्म हो गया है, तो हम लोग नॉर्मल पेपर से भी काम चला सकते हैं। बाद में हम लोग वार्निश गिरा देंगे उसके ऊपर, थोड़ा इसका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा।
98 99 और ये 100, ये हो गया 400 लपेट कंप्लीट। ठीक, 400 लपेट कंप्लीट हो गया हम लोग का। तो हम लोगों ने काट लिया है तार को, ठीक है, और वो लास्ट टैपिंग का स्लीव निकाल देंगे। ये हो जाएगा, इसमें एक नंबर स्लीव लगा दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम लोग उसके नाप के हिसाब से यहाँ तक स्लीव निकाल देंगे। का वाइंडिंग जो है इस साइड वाला कंप्लीट हो गया 400 लपेट वाला। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर में पेपर लगाएंगे, ठीक है, और इसको ढक देंगे तार को, वाइंडिंग तार है लास्ट वाला लेयर वाला, उसको ढक देंगे पेपर से। टेप लपेटेंगे, चारों ओर टाइट से लिपटेंगे अब इसको। तार दबेगा और स्पेस भी बनेगा अदर वाइंडिंग को करने के लिए, इसलिए टेप से टाइटली लिपटेंगे ताकि जो हम लोग का इधर का वाइंडिंग होना है उसके लिए थोड़ा सा सहूलियत हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का इस साइड का प्राइमरी साइड का टैपिंग के साथ वाइंडिंग का काम हो गया है। अब इसमें करने के बाद हम इंडिकेशन लिख लेंगे कि पहला कौन था, पहला ये है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है, फिर चौथा है, फिर पांचवा, छठा, सातवा, ठीक है, सात नंबर ये है। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग का ये हुआ तो
हम लोग को इस साइड में थोड़ा सा पुश करना होगा, ठीक है, हल्का पुश करना होगा ताकि इधर स्पेस बने। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा प्लास्टिक का, लोहे का नहीं, प्लास्टिक के लकड़ी का इसको ला लेंगे, आराम से करेंगे। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, 23 लपेट लपेटना है 12 नंबर वायर से। और ये 12 नंबर अल्युमिनियम का वायर है, इसमें हम लोग स्लीव लगाएंगे 3 नंबर, ठीक है, और इसके अपोजिट साइड में जो है हम लोग इस तार को इस छेद से निकालेंगे। ठीक है, अब जितना भी स्लीव है लपेटने वक्त दिक्कत करेगा ये सभी को, तो इस सबको मोड़ के इसके अंदर डालेंगे। ठीक है, अब हम लोग इस तार को 23 लपेट लपटेंगे। थोड़ा आराम से करना होगा, टाइट है, मोटा तार है, थोड़ा जोर लगेगा। एक, दो, दो होने जा रहा है, दो, कट करते हैं थोड़ा, कट करते हैं, ये स्लिप
का टुकड़ा लेके इसमें लगाते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, इस साइड सबसे किनारे वाले छेद से निकाल लेंगे। इसके लिए पहले जो है स्पेस बनाना पड़ेगा, इधर साइड में थोड़ा सा वायर को डालना पड़ेगा जो पहले से लिपटा हुआ है। या दूसरा उपाय ये है कि अगर स्पेस नहीं मिल रहा इस तरह का तो इधर से निकाल सकते हैं हम लोग इसको। एक मिनट, पहले ट्राई करते हैं इधर से निकालने का। इसको ही हम लोग छेद बड़ा करके इधर से एडजस्ट करेंगे, क्योंकि छेद बड़ा करके अब इधर से इसको निकालते हैं स्लीव के साथ। हो गया, अब इसको थोड़ा सा दाब देंगे, ऐसे दाब देंगे। ठीक है, तो अपने आवश्यकता अनुसार तार को निकालने के लिए उपाय कर लिया जाता है। अब हम लोग का टोटल हुआ है 21 लपेट, होना था 23। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम लोग का दो लपेट कम हो रहा है, तो एक दो लपेट में कम हो रहा है तो हम लोग कहते हैं वोल्टेज कम मिलेगा। इसका वोल्टेज को जो कम मिलेगा वो जाएगा 2 × 0.625 कर लीजिए। ठीक है, तो 6 × 12 = 50, मतलब 1.5 वोल्ट के आसपास आपको वोल्टेज कम मिलेगा, 1.5 वोल्ट के आसपास वोल्टेज कम मिलेगा। मतलब कि हम लोगों ने 14 वोल्ट के लिए किया है तो ये लगभग हम लोगों 12.5 के आसपास में वोल्टेज आएगा। ठीक है, इसको जो है हम लोग लास्ट पेपर से रैप कर देंगे। पेपर से रैप करने से पहले इसको थोड़ा सा इस प्रकार से पुश करेंगे कि इसमें जो हम लोग का पत्ती लगे ईआई पत्ती उसको लगाने में सहूलियत हो जाए। ठीक है, तो इसको लकड़ी से
अपोजिट साइड भी जो है उसको करना पड़ेगा। साइड में अगर उठा भी रह जाता तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि पत्ती जो लगेगी यही पत्ती उसका किनारा एक लेग इस साइड में आएगा, एक लेग इस साइड में आएगा, इसके आगे लेग नहीं आता है। वो मैं दिखाऊंगा किस प्रकार से होता है। अभी जो है केवल वाइंडिंग का हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग रैप करते हैं। तो रैप होने के बाद कुछ इस प्रकार से हम लोग टेप मार दिए हैं और इसको कंप्लीट कर लिए हैं वाइंडिंग को। ये एक तरह से एक रफ वाइंडिंग किया गया है। मशीन से जब किया जाता है तब फ्रेश होता है, सही तरीके से होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं करेगा, ये बिल्कुल काम करेगा। हम लोग आगे वीडियो में भी देखेंगे कि हम लोग को जो कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से इसको वाइंडिंग किया गया था उस हिसाब से हमको यहाँ वोल्टेज सेकेंडरी में मिल रहा है कि नहीं, और टैपिंग के हिसाब से जो है हर टैपिंग में हमारा जो है कितना कितना वोल्टेज हम लोग को मिल रहा है इस साइड में भी और इस साइड में भी, प्राइमरी साइड में भी और सेकेंडरी साइड में भी, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।